विकास पार्टी से खड़े रहेंगे क्या? हाँ, अपने जिजाऊ विकास पार्टी से मैंने 28 जनवरी 2024 को शाहपुर के वासिन के प्रोग्राम में जाहिर किया था कि कोई अच्छा पक्ष मेरे को टिकट देगा तो उनके पास से टिकट लेके मैं 5 लाख वोट से चुन के आऊँगा। और किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी को अच्छा नहीं लगा, या ग्राउंड लेवल के लोगों ने जिजाऊ का जो 15 साल का जो अच्छा काम है एजुकेशन पे, महिला सक्षमीकरण पे, हेल्थ पे, वो काम ऊपर तक नहीं पहुँचाया, तो हम अपक्ष से खड़ा रहेंगे, अपने जिजाऊ विकास पार्टी से खड़ा रहेंगे, तो भी 2.5 लाख वोट से हम चुन के आएंगे। मेरी ये राय है का अपने इतना काम, एक देश का नागरिक ओके, इतना काम कोई नागरिक ने किया होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि उन्होंने काम किया है। और मैं तो चुन के आने के बाद आज भी एक खासदार के एमपी के बराबर से उससे ज़्यादा फैसिलिटीज मेरे पास है कि व्यवसाय से आए हुए पैसे से, लेकिन मेरे को मेरा आम नागरिक है उनको मेरे तरह से कंधे पे कंधे लगा के लेके जाने का, आम आदमी के बच्चों को IIT में भेजने का है, आम लोगों के बच्चों को MBBS पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजने का है, आम लोगों के बच्चों को न्यायाधीश बनाने का है, आम लोगों के बच्चों को अपने को स्पर्धा परीक्षा से मार्फत पंतप्रधान कार्यालय चलाने वाला लड़का यहाँ से भिवंडी लोकसभा, पालघर लोकसभा से मेरे को भेजने का है, मेरे को अपने CA बनाने का है, ये मेरा मकसद है। और ये मकसद के लिए लो, जब मैं शासन में रहूँगा तो और ज़ोर से काम बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा खुद का राय है। मैं शासन में रहने के बाद हर महीने में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को विजिट करूँगा, वाड़ा के रूरल हॉस्पिटल को विजिट करूँगा, शाहपुर के करूँगा, बदलापुर के हॉस्पिटल को करूँगा और कल्याण महापालिका के हॉस्पिटल करूँगा, जेने करके प्रशासन पे प्रेशर आएगा। काम के सिवा मैं लोगों के लिए 24 घंटा 12 महीने 24 घंटा मेरा मोबाइल और मैं फ्री रहूँगा कि मेरे को मालूम है कि बाबा साहेब ने जो घटने में दिया है कल लोक प्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए उसका उसका उदाहरण मैं आपको दे दूंगा कि नीलेश सांबरे बाबा साहेब के घटना का मानने वाला लड़का है, संविधान को मानने वाला लड़का है, वो हिसाब से काम करेगा और भिवंडी के पूरे जनता को, पूरे वोटर को मैं मेरा दैवत मानूंगा और वो हिसाब से मैं काम। राजकीय सूत्रों के हिसाब से, राजकीय सूत्रों के हिसाब से लोगों का कहना यह है कि नीलेश सांबरे जी वोट तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी को तोड़ने के लिए नहीं, हम किसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें जिसको माँ नहीं थी, जिसको बाप पिताजी नहीं थे, वो लड़के को UPSC किया है, जिसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा है और उसके हस्बैंड गुजर गए, वो लड़के को, लोगों के बर्तन घासने वाले लड़के को, कपड़ा धोने वाले लड़के को वहाँ से निकाल के आज मुंबई आगरी से महानगर पालिका मिला। हम किसी को छाटने के लिए नहीं है, हम अपने तरह से कांग्रेस पार्टी आपको जो काम करके, सर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देने वाली थी, मतलब करीब करीब आपका फाइनल हो चुका था, तो अब क्या होगा? वो अभी मेरे को कल पार्टी से क्लियर कट बता दिया कि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन है, आप आपके हिसाब से लड़ो, कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं वो मेरे साथ में, अच्छी तरह से हम निधर्मी से काम करेंगे, जात धर्म छोड़ के भारत के घटने के साथ हम काम करेंगे, घटना के साथ, राज्य घटना के साथ काम करेंगे, सब मिलके हम अच्छा काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है क्या, भिवंडी लोकसभा रहने दो, पालघर लोकसभा रहने दो, अपने स्वच्छता ने गए 15 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है, वो काम के हिसाब से मेरे को भरोसा है कि जिसको हृदय है वो हार्ट है, वो हर आदमी, हर दीदी, हर बुजुर्ग, हर बच्चा जिजाऊ को वोट करेगा, नीलेश सांबरे को वोट देगा। और मैं खुद का खासदार नहीं हुआ, मेरा हर वोटर खासदार रहेगा, ऐसी अपन सस्ता ये लोकसभा लड़ रहे। दादा, जिस तरह टोरेंट पावर से लोग जनता त्रस्त है, मीटर बिल बढ़ा के आती है, आप टोरेंट पावर के लिए अभी तक क्या किया, आगे जीत क्या होगी तो टोरेंट पावर के लिए क्या करोगे? मैंने चन्नी साहब को बोला है अच्छा एडवोकेट लेके हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें कि टोरेंट का जो चालू है, अगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उसका टोरंटो में पैसा दिया हुआ ये सब ऊपर उगड़ा है, तो हम जनता के साथ ही, जनता बोलेगी रस्ते पे आंदोलन करना तो रस्ते पे भी हम था। उस दिन आंदोलन में मैं नहीं था, लेकिन मेरी दीदी जो यहाँ के लोकसभा के प्रमुख है मोनिका दही पानवे, वो थी, उन्होंने अच्छा भाषण भी किया, आपने सुना होगा। जनता का जो जो सवाल रहेगा, पीने का पानी का रहने दो, आरोग्य का रहने दो, शिक्षण का रहने दो, रोजगार का रहने दो, भिवंडी में जो खुशहाली 1990-91 में मैंने देखे वैसा खुशहाली लाने का प्रयत्न मैं 100% करूंगा। कितने सीट से जीत के आने का आशंका जताते हैं? अभी तो हम 2 सीट का हमारा फाइनल हो गया है, पालघर और भिवंडी, शायद कार्यकर्ता की मांग रहेगी तो कल्याण, ठाणे और रत्नागिरी, और ऐसे 5 लोकसभा हमारे हमने काम किया है, वो इस लोकसभा के तरह विचार चालू है पार्टी के लोगों का। थैंक यू।